हम घर को क्लीन करने के लिए, घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसे ब्यूटीफुल सा बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र परचेस करते हैं। और कभी कभी क्या रहता है कि वो अच्छे से वर्क नहीं करते और हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्यों ना हम हाथों से ही ऑर्गेनाइज़र बनाए, वो भी घर में पड़ी हुई चीज़ों से। तो आज वही हम जानेंगे। तो मैं हूँ अपेक्षा और अपेक्षा लाइव चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हो इस तरह से कोई भी अप्लायंस रहता है तो उसकी वायरिंग इस तरह से फैली पड़ी हुई रहती है। और कभी कभी क्या होता है, वो वायरिंग के कारण कभी कभी हमारा कोई भी अप्लायंस उतना सुंदर हो, क्लीन हो, तो भी उसका लुक अच्छा नहीं लगता अगर वायर अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है और जहाँ पर प्लग आता है वहाँ पर आपको खाली एक मार्क कर लेना है। तो मार्क कर लेने के बाद आपको इस तरह से वेलक्रो ले लेना है। और वेलक्रो में हमेशा वही होता है कि ये कॉटन या दूसरा कपड़ा इसमें चिपक जाता है, वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मैंने पहले भी आपके साथ एक जो है शेयर किया था। तो यहाँ पर आपको खाली लाइटर ले लेना है, अच्छी तरह से इस तरह से कर देना है। तो क्या होगा कि जो भी कॉटन वगैरह है या फिर दूसरे कपड़े का कोई भी लिंट वगैरह है तो वो बर्न हो जाएगा और अच्छे से हमारा वेलक्रो काम करने लगेगा। यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू लगा दिया है। अच्छी तरह से यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर दूंगी। थोड़ी देर रखने के बाद अच्छे से वो चिपक जाता है। फिर हम वायर को अच्छे से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद जो प्लग आता है वहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम वेलक्रो को चिपका देंगे। तो एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, वायर होल्डर बन जाएगा और पीछे की ओर आप इसको लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि यह दिखेगा भी नहीं और अच्छी तरह से वायरिंग फोल्ड होगी तो देखने में भी मिक्सी अच्छी रहेगी। और यहाँ पर मैं फिर क्या करूँगी, एक बेबी फ्रॉक लिया है और ऊपर से यहाँ पर इसको ढक दूँगी। कोई भी टी शर्ट वगैरह हो तो भी चल जाता। इसी तरह आप देख सकते हो ये एक वॉच का बॉक्स है और इस तरह के मोबाइल के बॉक्सेस भी रहते हैं। बहुत ही हार्ड वाले रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऊपर की ओर दो डॉट कर दूँगी और फिर साइड में दो दो डॉट कर दूँगी। और फिर मैं क्या करूँगी, एक नाइफ ले के फिर जो हमने मार्क किया है वहाँ पर दो होल लगा देंगे। इस तरह से ईजीली बन जाता है, उसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। इस तरह से होल करने के बाद हम जो दो दो डॉट की है वहाँ से एक स्ट्राइप कट कर देंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड। और दोनों को कट करने के बाद स्ट्राइप हम कट कर देंगे और एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। यहाँ पर क्या रहता है कि जब भी हम मोबाइल चार्जर में लगाते हैं का तो उसका वायर शॉर्ट रहता है या बहुत लंबा रहता है। तो क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से इसमें चार्जर पॉइंट जो है, जो चार्जर का हेड है वो इसमें हम लगा देंगे और फिर इसको हम प्लग के साथ जॉइंट कर देंगे। और जॉइंट करने के बाद जो नीचे हमने स्ट्रैप कट की है उसमें हम मोबाइल लगा देंगे तो एक अच्छा सा मोबाइल चार्जर का होल्डर बन जाएगा। और यहाँ पर इस तरह के प्लग रहते हैं और मेरा मोबाइल जो है इंडिया का है तो इसी तरह मुझे मल्टी जो एडप्टर रहते हैं पिन वाले, मल्टी पिन वाले एडप्टर, उसका यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो, आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कन्वर्ट कर लेना, जिससे कि कोई भी इस तरह के DIY या जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र वीडियो में शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये तो चार्जर पॉइंट जो है प्लग का पॉइंट नीचे है, काउंटर टॉप के ऊपर है, तो ये वायर थोड़ा सा बच रहा है तो आप ऊपर की ओर भी इसको फोल्ड करके रख सकते हैं।
उसी तरह आप देख सकते हो ये मेरा एक टॉप है, थोड़ा सा कलर फेड हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी मेरी कुर्ती वगैरह रहती है, टॉप वगैरह रहता है, तो इसमें जो भी ये डोरी वगैरह रहती है, पैचिस वगैरह रहता है, वो मैं निकाल देती हूँ और मैं इसका रीयूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर इसकी डोरी को हम निकाल देंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ करेंगे। और फिर नीचे से जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है, उसके नीचे का जो भी पार्ट है वो मैं कट कर लूँगी। और इस तरह के जो डिस्कार्टेड कपड़े रहते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, जो हमारे घर को क्लीन करने के लिए, हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी इसमें से बन सकते हैं। अब मिडल में से मैंने इसको कट कर लिया है, अब मैं क्या करूँगी, अपोजिट साइड इसको फोल्ड कर लूँगी। और फिर हम क्या करेंगे, एक साइड तो सिली हुई है, दो साइड हम सिलाई लगा देंगे तो एक साइड खुली रहेगी। दोनों में ही वही मेथड हम करेंगे, तो एक पाउच बन जाएगा। इस पाउच को आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, अगर वेजिटेबल्स रखना हो या कोई भी चीज़ रखनी हो, या फिर एज ए पाउच आपको यूज़ करना है, कोई भी स्किन केयर रिलेटेड वस्तु आपको रखनी है, मेकअप रखना है तो भी रख सकते हो। और नीचे जो पार्ट था उसमें फोल्ड किया हुआ भाग रहता है, तो इसमें आप इलास्टिक भी डाल सकते हो और नाड़ा वगैरह भी डाल सकते हो, तो अच्छे से एक पोटली बैग भी बन सकती है। पर यहाँ पर हमें ऐसे ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये जो भी हम कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें वैसे वर्क वाले कपड़े रहते हैं, तो इसमें डालकर आप इसमें वॉश कर सकते हो, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। और सेकंड यूज है कि ये मेरी गैलरी है, आप देख सकते हो बालकनी में, इस तरह से आपको जो ड्राई कपड़े करने के लिए जो क्लिप्स हम यूज़ करते हैं उससे इसमें लगा देना है। तो इसमें आप कोई भी आयन या फिर इस तरह की प्लास्टिक की क्लिप्स को रख सकते हैं, कोई भी आपका जो टूल्स रहता है गार्डनिंग के रिलेटेड वो भी रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। इस तरह की जाली वगैरह ना हो तो ड्रायर में भी आप वायर से हैंग करके भी इसको रख सकते हो, छोटे मोटे कपड़े भी इसमें लगा कर सुखा भी सकते हो। अभी क्या है कि विंटर के मौसम में सभी गर्म पानी से नहाते हैं, तो इस तरह से नहाने के बाद इस तरह से फोगी फोगी सब में हो जाता है, चाहे वो वॉल हो या इस तरह से मिरर हो। तो आपको तुरंत ही क्या करना है, एक कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है या कोई भी इस तरह का टिश्यू ले लेना है, और अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, और अच्छे से आपका जो मिरर है वो चमक जाएगा। कोई भी ग्लास क्लीनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजीली क्लीन हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और इसी तरह जो वॉशरूम की दीवार है वहाँ पर इस तरह से पानी जम जाता है, तो आपको तुरंत ही इस तरह से कपड़े को लेके, कॉटन का कोई भी कपड़ा लेके तुरंत ही ड्राई कर लेना था है, एकदम ही चमक आ जाएगी। कोई भी आपको घिसना वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कोई भी क्लीनर वगैरह डालना नहीं पड़ेगा, तो कम मेहनत में ज़्यादा क्लीनिंग हो जाएगी। और एक मनी सेविंग भी आइडिया है, तो आप देख सकते हो अच्छे से 5 मिनट में सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ऊपर से क्या रहता है गर्म पानी है तो ज़्यादा क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। इसी तरह से इस तरह के सॉक्स रहते हैं जो स्पेशली किड्स के रहते हैं, तो वो मिलते नहीं, तो आप एक दूसरे में डालकर ही इसको रख सकते हो, या फिर नीचे से आप इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से जो खुला हुआ पार्ट है उसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। और दूसरी मेथड है, नीचे एक सॉक्स रखना है, ऊपर एक रखना है, नीचे के सॉक्स को फोल्ड करना है, फिर दोनों सॉक्स को फोल्ड करके इस तरह से एंटर कर लेना है खुले पार्ट में। तो क्या रहता है कि सॉक्स मिल भी जाते हैं और कम स्पेस में आ भी जाते हैं, या अलग अलग भी आप उसी इसी तरह आप फोल्ड करके भी रख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा, कौन सा हैक्स अच्छा लगा, वो कमेंट करके जरूर बता।